वी का स्टार्ट होता है थ्री नीड विले टाउन को दिखाते हुए। ये पूरा टाउन प्लास्टिक के चीजों से बनी हुई थी। यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं थे और ना ही तालाब थे, पर फिर भी यहाँ के लोग बहुत ही खुश थे कि यहाँ के मेयर उन सबको वो सारी चीजें उपलब्ध करवाते थे जिन चीजों की सबको जरूरत होती थी, जैसे कि साफ पानी, ऑक्सीजन और खाने पीने के दूसरे सामान। और मेयर ये सारी चीजें पहाड़ों और दूसरे जगहों से लाया करते थे जिससे उसकी कंपनी की खूब कमाई हो रही थी। यहाँ के लोग भी इन सब चीज से खुश थे क्योंकि उनके घर के आसपास जो भी प्लास्टिक के पेड़ थे उन्हें वो कभी भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते थे। और तो और रियल पेड़ ना होने के वजह से उन्हें उनका ख्याल भी नहीं रखना पड़ता था। साथ ही प्लास्टिक के ट्री होने के वजह से ते भी नीचे नहीं गिरते थे, इससे पूरा टाउन क्लीन रहता था। अगले सीन में हम एक बच्चे टैड को देखते हैं जो कि ऑड्री नाम की लड़की के घर के सामने रुकता है और उसके घर में जानबूझकर अपनी प्लेन गिरा देता है। दरअसल टैड ऑड्री को काफी पसंद किया करता था, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से ऑड्री से बात करना चाहता था। ऑड्री उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि आज भी टैड का कोई न कोई सामान उसके घर पर गिरा है, इसलिए वो उसे अंदर लेकर जाती है और उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाती है जो कि उसने खुद ने बनाए थे। टैड ने पहली बार ऐसी रंग बिरंगी ट्रीज को देखा था। ऑड्री बताती है कि ये तस्वीर असली पेड़ के हैं। वो बातों ही बातों में उसे ये भी बताती है कि वो अपने जीवन में एक असली पेड़ को देखना चाहती है और अगर कोई आदमी उसके लिए असली पेड़ लेकर आएगा तो वो उसे तुरंत ही शादी कर लेगी क्योंकि उसे पेड़ बहुत ही पसंद थे और वो असली पेड़ को महसूस करना चाहती थी। ये सुनकर टेड डिसाइड करता है कि वो ऑड्री के लिए एक असली पेड़ लेकर आएगा। जब टेड अपने घर वापस आता है तो वो अपनी मॉम से एक असली पेड़ के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी मॉम इन चीजों से उसे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें गंदे से लकड़ी के टुकड़े की कोई जरूरत नहीं थी और उनके पास एडवांस आर्टिफिशियल पेड़ पहले से मौजूद थे, इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल थे। टेड की बातें सुनकर उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसे भी पेड़ बहुत ही पसंद है और अगर उसे एक रियल पेड़ चाहिए तो उसे वंसलर के पास जाना होगा क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है जिसे पेड़ के बारे में बहुत कुछ पता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो शहर से बाहर रहता है, वही अगर उसे खुश करना चाहता है तो कॉइन कील पर दादा के स्नेल का शेल दे तो वो सब कुछ बता देगा, जिसके बाद टेड इन सभी चीजों को इकट्ठा कर लेता है और रात होते ही इस टाउन से बाहर जाने के लिए टाउन के सबसे ऊंचे दीवार के पास चला जाता है जो कि मेटल से बनी हुई थी। टेड ने इस पूरे टाउन को ऐसे ही दीवार से घेर रखा था ताकि कोई भी टाउन को छोड़ के बाहर ना जा सके। टेड जब बटन प्रेस करता है तो वहाँ पे सीढ़ियाँ बनने लगती है और उसी के जरिए वो उस दीवार से बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि चारों तरफ अंधेरा है, दूर दूर तक कोई भी इंसान उसे नजर नहीं आता। ये देखकर टेड सोचता है कि मेयर हमेशा उनकी भलाई चाहते हैं क्योंकि वो उनको रहने के लिए इससे बेहतर जगह दे रहे हैं। बेल लगे टेड ऑन्सलर का घर ढूंढ लेता है, घर के डोर का बेल बजाता है। ये अचानक उसे एक मशीन ऊपर खींच लेता है, वही खिड़की से एक आदमी उससे बात करने लगता है जो कि ऑन्सलर ही था। वो टेड से पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए और वो यहाँ पर क्या लेने आया है। इस पर टेड उससे कहता है कि उसे जानना है कि आखिर सारे पेड़ों को हुआ क्या है और वो कहाँ चले गए। ये सुनकर ऑन्सलर हैरान हो जाता है क्योंकि टेड पहला ऐसा बच्चा था जिसे पेड़ के बारे में जानना था और उसे उनकी परवाह थी, इसलिए ऑन्सलर अपनी जवानी की कहानी सुनाने लगता है। यहाँ से इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी। जब वो जवान था तो वो एक इन्वेंशन करना चाहता था, अपना नाम रोशन करना चाहता था, इसलिए उसने अपना टाउन छोड़ दिया और एक ऐसी जगह पर आ गया जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पे तरह तरह रंग के पेड़ थे और अनोखे प्राणी भी थे जो प्यारे थे और उनका दिल भी बहुत ही साफ था। उसने अपने इन्वेंशन के लिए वहाँ के पेड़ों को चुना। वहाँ के एनिमल्स के साथ दोस्ती करने के लिए उसने उनको मार्शमेलो खिलाए, उनको बहुत ही पसंद आए और इन सबके बीच दोस्ती हो गई। लेकिन जब वो वक्त आया जब उसने पहला पेड़ काटा और सभी एनिमल्स उससे डर गए क्योंकि ये जगह उनका घर था और वो उनकी जगह को तबाह कर रहा था। अभी वहाँ का मौसम बिगड़ गया और जोर जोर से बादल गरजने लगे। इसी कटे हुए पेड़ से एक आदमी निकला जिसका नाम था लोरेक्स। लोरेक्स ने ऑन्सलर को वार्निंग दी कि वो यहाँ पर पेड़ों को नहीं काट सकता, भी वो इस जंगल की रक्षा करता है और वो उससे पूछे बिना किसी भी चीज को नहीं काट सकता। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर सूरज ढलने तक वो यहाँ से नहीं गया उस पर कुदरत कहर बरसाएगी, उसे श्रापित किया जाएगा। लेकिन ऑन्सलर ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। तभी कहानी प्रेजेंट में आ जाता है और ऑन्सलर टेड से कहता है कि बाकी कहानी सुनने के लिए उसे कल आना होगा, लेकिन टेड को पूरी कहानी आज ही सुननी थी क्योंकि ये जगह बहुत ही बदबूदार था और वो इस जगह में वापस नहीं आना चाहता था। ये सुनकर ऑन्सलर कहता है तो तुम में वो बात नहीं है और ये कहकर वो अंदर चला जाता है। वहीं टेड बाहर से अफसोस करता है और कहता है कि मैं कल जरूर आऊंगा। अगले दिन टेड एक सपने में होता है जिसमें वो ऑड्री के जन्मदिन पर उसे एक पेड़ गिफ्ट कर रहा था, लेकिन जल्दी ही वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और वो आगे की कहानी जानने के लिए फिर से ऑन्सलर से मिलने जाने लगता है।
लेकिन रास्ते पर मेयर के लोग उसे पकड़ लेते हैं। पता चल चुका था कि टेड एक बार टाउन से बाहर जा चुका है, क्योंकि टाउन में हर तरफ कैमरास लगे हुए थे। मेयर टेड को समझाता है कि उसे टाउन से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर वह फिर भी यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो उनको जल्दी ही पता चल जाएगा, जो उसके और उसके परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एक एक मेयर वहाँ से चला जाता है। दरअसल मेयर ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोगों को बाहर के बारे में पता चले और न ही पेड़ के बारे में, क्योंकि इससे उसे नुकसान हो सकता था। लेकिन उसके जाते ही टेड टाउन से बाहर आ जाता है और फिर से ऑन्सलर के पास आ जाता है। यहाँ से ऑन्सलर फिर से अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि लॉरेक्स के मना करने के बाद भी उसने उस पेड़ के रेशम से कपड़े बनाए जो आज तक किसी ने भी नहीं पहने थे, और उसका ये काम लॉरेक्स और वहाँ के एनिमल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो नहीं चाहते थे कि आगे जाकर वो और भी पेड़ काटे। इसलिए रात होते ही वो सभी ऑन्सलर को उसके बैट समेत एक नहर में बहा देते हैं। सभी को लगता है कि ऑन्सलर से अब उनका पीछा छूट गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नहर में बहाते वक्त उसके बैट में एक छोटा सा बियर रह गया, और जब लॉरेक्स और बाकी एनिमल्स ने ये देखा तो वो उसे बचाने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगे। आगे एक वाटरफॉल था जिसमें वो गिरने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले लॉरेक्स एक बड़ा सा स्टोन वहाँ पर फेंकता है जिससे वो दोनों ही उछलकर जमीन पर आ गिरते हैं। हरकत के बाद ऑन्सलर उन सबसे नाराज हो जाता है, क्योंकि उनकी इन हरकत से उसकी जान जा सकती थी। लॉरेक्स उसे समझाता है कि उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, वो बस चाहते थे कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि वो इस जगह को हार्म कर रहा था। आगे लॉरेक्स कहता है कि वो यहाँ पर रह सकता है, लेकिन यहाँ पर रहने के कुछ नियम होंगे कि वो एक भी पेड़ को नहीं काटेगा। और ऑन्सलर इस बात को समझ जाता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो एक भी पेड़ को नहीं काटेगा। ऑन्सलर ने जिस स्कार्फ को बनाया था वो लेकर वो सिटी में आ जाता है ताकि वो उसे बेच सके, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी कोई भी स्कार्फ नहीं खरीदता। इस बात से वो दुखी होकर वो स्कार्फ वही फेंक कर फिर से जंगल आ जाता है। उसका फेंका हुआ स्कार्फ एक लेडी के सिर पे गिरता है और वो स्कार्फ उसे बहुत ही पसंद आता है। धीरे धीरे उस स्कार्फ को देखते हुए वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी अपने लिए भी उसी रेशम का कपड़ा चाहते थे। लोगों को जब पता चलता है कि स्कार्फ को ऑन्सलर ने बनाया है तो सभी लोग ऑन्सलर को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं। अचानक इतने सारे लोगों को देखकर ऑन्सलर और वहाँ के सारे एनिमल्स डर जाते हैं, लेकिन जब ऑन्सलर को पता चलता है कि उसका बनाया हुआ स्कार्फ लोगों को पसंद आ रहा है वो बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन इतने सारे लोगों का यहाँ पर आना लॉरेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आगे ऑन्सलर स्टोरी को रोक देता है और टेड से कल फिर से आने को कहता है। वही टेड टाउन में फिर से आ जाता है, अपनी ग्रैंड माँ को ऑड्री से मिलाने के लिए लेकर जाता है। जब उसकी ग्रैंड माँ ऑड्री को देखती है तो वो समझ जाती है ये कि टेड उसे पसंद करता है और ऑन्ड्री को खुश करने के लिए वो असली पेड़ को ढूंढ रहा है। इसके बाद देखते हैं कि ऑन्ड्री जब अपने घर आती है तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है कि उसने अपने घर के बाहर जो पेंटिंग्स बनाई थी वो सारे किसी ने मिटा दिए थे, और ये काम मेयर का ही था। मेयर को पता चल चुका था कि टेड इन्हीं पेंटिंग्स को देखकर टाउन के बाहर जाता है। दूसरी तरफ टेड आगे की स्टोरी सुनने के लिए फिर से सिटी से बाहर जाने लगता है, लेकिन इस बार मेयर ने बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन फिर भी टेड नहीं रुकता, वो अपनी बाइक की मदद से एक ऊंचे घर में आ जाता है, वहीं से होकर उस दीवार को पार कर लेता है। ऑन्सलर आगे की स्टोरी सुनाता है, कहता है कि जब वो काफी मशहूर हो गया और उसके पास बहुत सारे डिमांड्स आने लगे कि वो उसी रेशम को यूज करके उनके लिए भी कपड़ा बनाए, तो इसके लिए ऑन्सलर की फैमिली भी वहाँ पर आ गई कि वो ऑन्सलर की हेल्प कर सके। लेकिन इस बात से लॉरेक्स बिल्कुल खुश नहीं था कि इस जंगल में लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन ऑन्सलर लॉरेक्स से वादा करता है कि वह यहाँ के जंगल को और यहाँ के एनिमल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक घर बना लिया और ऑन्सलर की फैमिली भी यहीं रहने लगी। ऑन्सलर अपने वादे के मुताबिक पेड़ों को नहीं काटता था, लेकिन वो पेड़ों के रेशम को थोड़ा थोड़ा निकालता था और उन्हीं से कपड़ा बनाता था जिससे पेड़ों को भी कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन इस बात से उसके फैमिली वाले बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि इस तरह से उनका काम धीरे धीरे चल रहा था। इसलिए वो ऑन्सलर को कन्विंस करते हैं कि वो एक दो पेड़ काट देंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। उनकी बातें सुनकर ऑन्सलर भी राजी हो जाता है, जिससे ऑन्सलर के वर्कर्स रोज पेड़ काटा करते थे। ऑन्सलर उन्हीं रेशम को यूज करके लोगों की डिमांड पूरी करने लगा। वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां पर उसके पास सब कुछ था, लेकिन इन सब से लोगों की डिमांड और भी बढ़ती गई। उसके कारण जंगल में तेजी से पेड़ काटे जाने लगे। इन सब से लॉरेक्स बहुत ही परेशान था और वो इसके लिए ऑन्सलर से बात भी करता है कि उसने कहा था कि वो जंगल के कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो जंगल को नुकसान पहुंचा रहा था। पर ऑन्सलर लॉरेक्स की इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता।
जाता। एक दिन वो दिन भी आ जाता है जब जंगल में बचा हुआ आखिरी पेड़ भी काट दिया जाता है। काउंसलर के पास कपड़े की डिमांड तो बहुत ही थे, लेकिन वो अब अपना काम कैसे जारी रखता क्योंकि जंगल में तो एक भी पेड़ नहीं बचे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी फैक्ट्री भी बंद हो गई। अब काउंसलर को एहसास होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। केवल उसी के लालच के वजह से ये जंगल पूरा कट चुका था, जिसके बाद उसके फैमिली वाले भी उसके पैसे लेकर वहाँ से चले गए। वहीं लॉरेक्स और वहाँ के एनिमल्स भी जंगल का ऐसा हाल देखकर बहुत ही दुखी थे। काउंसलर उन सब से माफी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लॉरेक्स का काम था इस जंगल की रक्षा करना, लेकिन जब जंगल ही नहीं बचा तो लॉरेक्स का धरती पर कोई भी काम नहीं था। बाद लॉरेक्स ऊपर चला जाता है और वहाँ के सारे एनिमल्स उस जंगल को छोड़ देते हैं। काउंसलर की ये कहानी सुनकर टेड को काफी बुरा लगता है। काउंसलर के वजह से आज तक उसने कभी रियल पेड़ को नहीं देखा था। इसके बाद वो टेड को एक बीज देता है जो कि आखिरी बीज था, और वो उससे कहता है कि वो बीज जाकर वो अपने टाउन में लगा ले कि बाकी लोग भी जान सके कि पेड़ कितने सुंदर होते हैं, और उसकी सजा भी तभी कम होगी जब ये जगह फिर से पहली जैसी हो जाएगी। जिसके बाद टेड उस बीच को लेकर अपने टाउन आ जाता है। पूरे टाउन में कैमरास लगे होने के कारण मेयर को भी ये बात पता चल जाता है कि टेड अपने साथ एक बीच लेकर आया है, इसलिए वो अपने गार्ड के साथ उसके घर पहुंच जाता है। जब टेड को ये पता चलता है कि उसके घर में मेयर आए हैं, तो वो उस बीच को अपने रूम में छिपाकर नीचे आ जाता है। कि मेयर टेड से बीच मांगने लगता है, लेकिन टेड कहता है कि उसके पास कोई भी बीच नहीं है। इसके बाद मेयर को और भी गुस्सा आ जाता है, वो अपने गार्ड से इस घर की तलाशी लेने को कहता है। तभी उनके सामने टेड की मॉम आ जाती है और वो कहती है कि इस तरह वो उनके घर की तलाशी नहीं ले सकते, जिसके कारण उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। और जब टेड फिर से अपने रूम पर आता है तो वो बीच उस जगह पर नहीं थी। वो उस बीच को ढूंढते हुए नीचे आता है और देखता है कि वो बीच तो ग्रैंड माँ के हाथों में थी, और उसमें से एक छोटा सा पौधा भी बाहर आ गया था जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। टॉड ऑड्री को भी अपने घर पर बुला लेता है और उस पौधे को दिखाता है। टेड उससे कहता है कि ये पौधा उन्हें टाउन में लगाना होगा जिससे कि वो उग सके, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बाहर मेयर्स के गार्ड खड़े थे और उनकी पूरी नजर टेड पर थी। तभी टेड के मॉम को एक आइडिया आता है, वो टेड के जैसे दिखने वाला एक डमी बनाती है और उसे अपने कार में रखकर निकल जाती है। मेयर के गार्ड को ये लगता है कि टेड कहीं पर जा रहा है, इसलिए वो उनको फॉलो करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों मेन पार्क के लिए निकलते हैं ताकि वो उस नन्हे से पौधे को वहाँ पर लगा सके, लेकिन टाउन में लगे हुए कैमराज की वजह से मेयर को ये बात जल्दी पता चल जाती है कि टेड वो बीच लेकर पार्क की तरफ जा रहा है, और मेयर ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए वो अपने गार्ड के साथ टेड का पीछा करने लगता है। तो बीच को हासिल करने की काफी कोशिश करता है, मेयर टेड से वो बीच को हासिल कर लेता है, लेकिन आखिर में ग्रैंड माँ अपनी छड़ी की मदद से बीच को फिर से हासिल कर लेती है, जहाँ पर वो मेयर के स्टेचू को तोड़ देते हैं जिससे जमीन पे लगा हुआ प्लास्टिक की घास उखड़ जाती है और असली मिट्टी दिखाई देने लगती है। अब धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी और वो टेड के इस काम से खुश नहीं थे। अभी वहाँ पर मेयर भी आ जाता है, टेड के खिलाफ उन्हें भड़काना शुरू कर देता है क्योंकि उनके मन में असली पेड़ के बारे में गलत फहमी थी, लेकिन टेड सभी को असलियत दिखाना चाहता था कि पेड़ और नेचर के बिना जिंदगी कितनी अधूरी है, इसलिए वो टाउन की दीवारों को गिरा देता है। जब सभी लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाहर की जमीन हर तरफ से बेजान थी। उन सभी को एहसास होता है कि सिर्फ आर्टिफिशियल लाइफ से वो हमेशा के लिए खुश नहीं रह पाएंगे, और अगर उन्हें अच्छा जीवन जीना है तो उन्हें पेड़ उगाने होंगे। अब मेयर की सच्चाई सबके सामने आ गई थी कि सिर्फ वो अपने फायदे के लिए पेड़ नहीं उगने देता था, इसलिए उसका गार्ड ही उस पर एक एडवांस फैन लगाकर उसे दूर भेज देता है। इसके बाद टेड उस बीज को जमीन में दबा देता है। कुछ दिनों बाद देखते हैं कि टेड का लगा हुआ पौधा बड़ा हो गया है और धीरे धीरे और भी पेड़ उगने लगते हैं, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो गया था। काउंसलर अब इतने दिनों बाद अपने घर से बाहर आता है, इतनी हरियाली और पौधों को देखकर बहुत ही खुश होता है। वो भी अब इन पौधों का बहुत ही ख्याल रखा करता था। पेड़ फिर से उगने लगे थे और चारों तरफ हरियाली थी, इसलिए लॉरेक्स भी वापस लौट आता है। काउंसलर लॉरेक्स को देखकर बहुत ही खुश होता है और लॉरेक्स भी उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसने सब कुछ पहले जैसा कर दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।